हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि पेपर प्रिंटिंग पूरी 8513 एग्जाम सेंटर भी अलॉट, इस डेट तक मिलेगा एग्जाम शेड्यूल। यानी कि यूपी बोर्ड 10th 12th जो बोर्ड एग्जाम है उसका शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 10th का जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है, लेकिन अभी यूपी बोर्ड की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं और आपको भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको पूरी खबर की जानकारी हो सके। ये आज तक न्यूज पर जो है बताया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, ये आज तक न्यूज के द्वारा ये जारी किया गया है। देखिए क्या है पूरी खबर, हम देखते हैं यहां पर विस्तार से। तो देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 अनाउंसमेंट, शिक्षा विभाग ने क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग पूरी कर ली है और आंसर शीट भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा 8513 एग्जाम सेंटर भी परीक्षाओं के लिए अलॉट किए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग अब कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विचार करने के बाद इस माह के आखिरी तक एग्जाम डेट की घोषणा कर देगा। यानी कि जो आपका एग्जाम डेट है, टाइम टेबल है, वो मई के लास्ट वीक तक आपको पता चल जाएगा, इसकी घोषणा यूपी बोर्ड द्वारा कर दी जाएगी। तो अभी आप ये मत समझिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम भी हो सकता है। आगे देखिए क्या कहा गया है कि 8513 एग्ज़ाम सेंटर्स परीक्षाओं के लिए अलॉट किए गए हैं, एग्ज़ाम डेट की घोषणा इसी माह के अंत तक की जाएगी। आगे देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम डेट अनाउंसमेंट, यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा विभाग ने क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग पूरी कर ली है और आंसर शीट भी तैयार कर ली है। इसके अलावा 8513 एग्जाम सेंटर्स भी परीक्षाओं के लिए अलॉट किए जा चुके हैं। यानी कि जो आपका 10th 12th का एग्जाम है वो अभी भी होगा। शिक्षा विभाग अब कोरोना की स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विचार करने के बाद इस माह के आखिरी तक डेट की घोषणा कर देगा। आगे देखिए क्या है, आगे भी आपका न्यूज है। इसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि एग्जाम डेट्स की घोषणा के बाद कोरोना सावधानियों की पूरी तैयारी। तो यहाँ पर आपका ये पूरा न्यूज है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या कहा गया है, पूरी तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में पंचायत चुनाव और अन्य बड़े आयोजन हुए हैं, ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एग्जाम सेंटर्स पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। आगे देखिए क्या है, दिनेश शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स पर इसी महीने के अंत तक यानी कि इसी सप्ताह फैसला लिया जाएगा कि आपका टाइम टेबल जारी होगा कि नहीं होगा, ये इसी मई के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लगभग 50 लाख छात्र बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स को लेकर आधिकारिक घोषणा के इंतजार में हैं। शिक्षा विभाग ने अभी तक 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अभी यूपी बोर्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए आप ये मत समझे कि 10वीं की परीक्षा रद्द ही कर दी गई है, संभव है कि इसी जानकारी भी जल्द कराई जाएगी, यानी कि इसकी जानकारी भी जल्द आपको कराई जाएगी, ठीक है। आगे यही था आपका ये न्यूज पूरा। तो ये न्यूज आया है कि अभी आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये न्यूज, ऐसे ही अगर जो भी न्यूज आता रहेगा यूपी बोर्ड की तरफ से मैं आपको पहले प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोगों को इस न्यूज को देखने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यूपी बोर्ड ने अभी 10th का जो एग्ज़ाम है वो रद्द नहीं किया है, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ठीक है। और 12th का एग्जाम भी हो सकता है, मई के लास्ट वीक तक आपको आपका टाइम टेबल भी मिल सकता है। अगर आपका एग्जाम होगा तो आपका टाइम टेबल मई के लास्ट तक मिल जाएगा, या अगर नहीं होगा तो उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जो भी न्यूज आएगा वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा।